नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामदरी इंफोटेक चैनल से आपका दोस्त। दोस्तों आज आप देख रहे हैं इतने सारे स्विच और राउटर लेके आए हैं, तो आज हम नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। किस तरह से जब हमारे को ISP इंटरनेट कनेक्शन देता है, कैसे हम आगे इंटरनेट शेयर कर सकते हैं, स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, मॉडम क्या होता है, कैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मतलब दूर तक हम नेटवर्क पहुँचा पाते हैं, और कहाँ हमें राउटर यूज़ करना चाहिए, कहाँ हमें स्विच यूज़ करना चाहिए, तो ये सब बातें हम जानेंगे। तो फिलहाल आप देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे स्विच, टिपलिंग का राउटर, डी लिंक के स्विच हैं 5 पोर्ट और 8 पोर्ट, साथ में हमारे पास एक राउटर है और यहाँ पे एक लोड बैलेंसर भी है। हम आज वीडियो में सबसे पहले जो ISP यूज़ करता है जिसमें मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, तो वो होता है एक लोड बैलेंसर, जैसे या फिर OLT या फिर उनके पास मेन हब जो होता है इंटरनेट का, वो यहाँ पे हमने बनाया है इस लोड बैलेंसर को। यानी कि इसमें 2 इंटरनेट कनेक्शन इनपुट करेंगे हम, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इंटरनेट पहुँचाएंगे। अभी इनमें कोई भी वायर नहीं लगी है, तो कैसे हम यहाँ का इंटरनेट या जो हमारी शॉप में इंटरनेट लगा हुआ है वो हम इस राउटर तक पहुँचाएंगे जिसमें हम ये बीच में सभी डिवाइसेस को जोड़ने वाले हैं। इससे आपको हेल्प मिलेगी भी किस तरह से नेटवर्क आगे से आगे तक पहुंचता है। तो होता क्या है नेटवर्किंग में, जब हम पहले एक मेन राउटर में इंटरनेट कनेक्शन लगाते हैं, तो मैं आपको बाय प्रैक्टिकल चेक कराता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर में यहां पे क्या रहता है, जैसे WAN 1 रहता है, WAN 2 रहता है, इसमें वैन लैन मतलब इसमें 4 WAN हम बना सकते हैं या फिर 4 LAN इसमें, इसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ऑप्शन रहती है। तो फिलहाल हमारे पास 2 इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, तो हम इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें लाइट जल गई और दूसरा इंटरनेट अभी हमारा ऑफ है, वो ऑन हो जाएगा जब इसका इंटरनेट बंद होगा अपने आप इसको। तो इस तरह से 2 इंटरनेट मान लो इसमें इनपुट हैं। अब ये इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है इसको फाइबर से मिले हों, ये ISP का समझ लो मेन राउटर है, ठीक है, इसमें मल्टीपल इंटरनेट हो सकते हैं और यहाँ से आउट वायरलेसली भी हो सकती है या फिर फाइबर से हो सकती है या फिर लैन से हो सकती है। फिलहाल हम इसको मतलब एक सर्वर मान रहे हैं मतलब ISP का, और यहाँ से नेटवर्किंग निकालने के लिए हम लैन यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पे भी वैसे लैन ही होगा जो कि हम क्लाइंट्स को देंगे। तो अब ये वायर हमारे घर तक आएगी या फिर फाइबर आएगी या फिर मतलब जो है कुछ भी समझ लो आप, ये कनेक्शन जो है हमारे को ISP से घर तक आ रहा है, और ये हमारे घर का मॉडम है, और इस मॉडम में हम इंटरनेट कनेक्शन वैन वाले पोर्ट में लेते हैं और इसे कन्फिगर कर देते हैं जैसे ISP खुद कन्फिगर करके देता है, जैसे इसमें अपनी सेटिंग कर देगा, PPU कनेक्शन बना देगा या फिर जो भी उनके इसमें सेटिंग होगी वो इसको इंटरनेट मिलेगा। तो इस तरह से मतलब यहाँ से ISP से हमारे को घर में इंटरनेट पहुँच गया है। अब इस घर में हमारे को इंटरनेट पहुंचा है नहीं पहुंचा है इसको चेक करने के लिए हम मोबाइल ले लेते हैं पहले। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बेस पे 2 इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ से इंटरनेट हमारे घर तक फाइबर या वायरलेस या किसी भी तरह से मॉडम में पहुंचा, ये हमारा मॉडम है, इसमें हमारे पास इंटरनेट की लाइट आ चुकी है और ये हमारा मेन मॉडम है, और यहाँ से हमने अपने मोबाइल में वाईफाई जोड़ दिया है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, और इस पे हमारे पास क्या IP address मिला है 192.168.1. कुछ भी जो हमारा इस राउटर से हमारे को IP address मिला है। अब बात आ रही है भाई इसमें इसको क्या मिला है, वो तो ISP जाने, और ISP जो हमारे को दे रहा है वो यहाँ हमारे काम का है अगर हमने उसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग या कुछ और करना है, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। खैर इसमें मैं बता दूं 192.168.0.1 वाली सीरीज का इसको मिला है, और ये आगे 1 वाली सीरीज बना रहा है जो कि हमारे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो पीछे क्या है आगे क्या है दोनों का अलग अलग रहता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंटरनेट स्पीड की, तो यहाँ पे मैंने एक स्पीड टेस्ट किया था, अभी 2.4 GHz का वाईफाई है इसका, ठीक है, लैन इसका 100 MBPS है। तो हम क्या करते हैं जब इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो हम ये नहीं देखते हमारा वाईफाई जो है ड्यूल बैंड होना चाहिए मॉडम मेन, और इसका जो लैन है 1 GB इथरनेट होना चाहिए ताकि हम इसका 100% यूज कर सकें। कई बार काफी लोग जो है इसी में परेशान हो जाते हैं, अभी उन्होंने इसका इंटरनेट कनेक्शन लिया होता है बहुत छोटा, मतलब इसका राउटर ले लिया देसी ऐसा सिंगल बैंड वाला और इंटरनेट ले लिया 100 MBPS का, तो यहाँ पे दिक्कत आएगी भी आप 50 MBPS से ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि बेशक इसका लैन 100 MBPS का है वाईफाई, लेकिन 72 MBPS से ऊपर नहीं आएगा, लिखा तो लेता है 300 MBPS लेकिन वो सबको मिला के होता है लैन प्लस इन सबको। तो एक्चुअल में आपको ये मॉडम ड्यूल बैंड लेना चाहिए तभी अच्छा हो पाएगा, जैसे कि यहाँ पे राउटर रखा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल चलो हमारे पास यही है, तो हमें पता है 50 MBPS ही दे पाएगा ये, तो इसको अपग्रेड करेंगे बाद में और स्पीड बढ़ा के दिखाएंगे आपको। तो अब बात आ रही है हमारे पास नेटवर्किंग में केबल कौन सी हमें यूज करनी चाहिए, तो यहाँ पे वैसे तो एक वीडियो है दूसरी उस पर जाके देख सकते हैं, लेकिन हमें इसके पोर्ट्स जो होते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये जो पोर्ट्स होते हैं ये 1, 2, 3, 4 लैन होता है, तो लैन का मतलब होता है आपस में बात कर सकते हैं, कुछ राउटर में लैन वैन से बात कर सकता है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, इससे आगे जो है वहां पे एक राउटर लगा है उस पे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है भी ये इससे बात कर सकता है लेकिन इसके आगे जो राउटर लगा वहां तक हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में ये लगा हुआ है ये ब्लॉक करता है, ये अपने वैन तक इसको नहीं पहुंचाने देगा, इसके वैन तक हम जा सकते क्योंकि हम इसके लैन में रहेंगे। तो नेटवर्किंग क्या कहती है भी अगर हमने कोई भी आगे एक्सटेंड करना है तो हमें क्या
करना पड़ेगा, हमें यहाँ एक वायर लगानी पड़ेगी। अब ये 100 Mbps का है तो हम कैट 5 यूज कर सकते हैं, वैसे तो कैट 6 भी यूज कर सकते हैं लेकिन कैट 5 ही यूज होती है 100 Mbps में और कैट 6 का कोई फायदा नहीं होगी, कैट 6 बस है देखने में हैवी होगी। तो यहाँ पे मान लो एक स्विच लगा दिया, तो अब यहाँ पे क्या सेटिंग करनी पड़ेगी हमारे को ताकि ये आगे चला सके? तो इसमें कुछ भी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो स्विच का मतलब क्या होता है, ये आपस में एक बराबर काम करते हैं। यहाँ पे हम जितने मर्जी केबल लगा दें ये उनको एड्रेस देता रहेगा, उनको चलाता रहेगा। और यहाँ पे जैसे हमने एक यहाँ से वायर निकाल दी, चाहे तो हम तीन निकाल दें, तीन डिवाइस लगा दें, चार लगा दें, और अगर हमने ज्यादा डिवाइस लगाने तो यहाँ से एक वायर लगा दी और इसको हम 100 मीटर लंबी वायर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 100 मीटर लंबी वायर लगाने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे स्विच का मतलब यही होता है, जब इसको एक मिल गया तो आगे के जितने पोर्ट है वो हम इसी से ही जो है कनेक्शन मिल जाएगा इसको। तो यहाँ पे हम कोई भी पोर्ट यूज कर सकते हैं, कोई भी, मतलब ये आपस में बात कर लेंगे। मतलब होता क्या, अभी ये डिवाइस अपनी इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए सब जगह भेजेगा डिटेल, और जहां हमारा मेन इंटरनेट होगा वहां से हमारे को सोर्स ऐसे से इस तरह से मतलब आगे आगे पहुंचता रहेगा, मतलब यहां ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे से करते करते पता नहीं कहां कहां तक पहुंच जाएगा, कई देशों तक, कई मीलों दूर तक और अमेरिका तक पहुंच जाएगा। और इस तरह से हम यहां पे यहां तक इंटरनेट दे सकते हैं कि स्विच टू स्विच, ठीक है। अब हमें जरूरत नहीं पड़ती भी यहां से दो तारे निकाल के यहां दो लगाएं, ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है, लगा सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से मतलब यहां तक, यहां पे आया, यहां से हम आगे डिवाइस लगा दिए और आगे नेटवर्क पहुंचाने के लिए हमने एक वायर लगा दी और अगले स्विच में लगा दी, और यहां से अब हम एक और वायर निकाल के किसी भी पोर्ट से, और यहां पे बहुत सारे डिवाइस लगा सकते हैं, और यहां से इस राउटर में चाहे तो हम वैन वाले पोर्ट में लगाएं। लेकिन हम यहां पे एक बात आपको बताना चाहते हैं, अभी अगर इसका इंटरनेट आपने अच्छा यूज करना है यहां पे इतनी दूर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस राउटर में इसका DHCP यानी कि यही IP एड्रेस सब डिवाइस को दे, ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस राउटर के DHCP को बंद करना पड़ेगा और एक्सेस पैड मोड ऑन करना पड़ेगा। तो वो हमने इसमें कर दिया, इसकी वीडियो आप आई बटन में देख सकते हैं कैसे किया है। तो अब ये IP address 192.168.0.1 वाली सीरीज का इसको दिया है, इसने 192.168.1 वाली सीरीज का मेरे मोबाइल को दिया है, या फिर इसके थ्रू जितने भी डिवाइस लगे हैं उनको दिया है, या फिर इसके थ्रू जितने भी वाईफाई डिवाइस जुड़ेंगे उनको भी दिया है। इसके आगे भी हम नेटवर्किंग जितने मर्जी आगे तक पहुंचा सकते हैं। आइए अब आपको वाईफाई इस पे यूज करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल पे हमें इसका वाईफाई जोड़ना पड़ेगा जो कि टिपलिंक B3B ये है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं BB365G। अब हमने तो डुअल बैंड वाईफाई ले लिया, हमारा इंटरनेट कनेक्शन 100 Mbps का, और बीच में लगा दिया हमने मॉडम 50 Mbps का, देखते हैं ये 44-48 Mbps की जो स्पीड आई थी वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। देखो इंटरनेट प्रॉपरली चल रहा है, मॉडम में हमारे पास 50 Mbps स्पीड आ रही है, यहाँ पे 100 Mbps स्पीड आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो लैन है ये 100 Mbps का है, ये जो स्विच हम यूज कर रहे हैं ये सारे ही स्विच 100 Mbps के हैं, यानी 100 Mbps यहाँ से यहाँ तक चले गया और यहाँ से इसका 5 GHz था तो करके हमारे को इतनी स्पीड आ पाई। अगर ये 1 Gbps होता, बेशक इसका सिंगल बैंड होता, तो ये हमारे को कम से कम 1 Gbps आगे तो पहुंचाता, फिर यहाँ से 1 Gbps आगे जाता और यहाँ से 1 Gbps यहाँ तक पहुंचता और यहाँ पे 100 Mbps से ऊपर स्पीड आती। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट रहता है, अगर नेटवर्किंग हमने 1 Gbps की करनी है तो सभी लैन पोर्ट जो है 1 Gbps के होने चाहिए। अगर बीच में कोई वायर हमने ऐसी लगा दी जिसमें सिर्फ 100 Mbps ही चल रहा है तो वायर चेंज करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो कैट 6 यूज कीजिए, ऐसी दिक्कत ना आए, कैट 6 जो है 10 Gbps तक सपोर्ट करती है। और यहाँ से फिर ऐसे से करते यहाँ तक इंटरनेट पहुंच गया, तो आपको आसानी होगी देखने में। देखो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे, यहाँ से फिर यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस तरह से देखो यहाँ पे 50 Mbps आ रही है बट वहाँ पे 100 Mbps आ रही है, क्योंकि ये सिंगल बैंड वाईफाई 2.4 GHz का ये। और इसको मैं अगर यहाँ रखूँ और इसको अगर मैं यहाँ रखूँ वो भी आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। तो आईपी एड्रेस यहाँ से मिलता है हमारे को 192.168.1.100, और जब मैं इस वाईफाई से जोड़ूंगा, और मुझे आशा है भी हमारे को सेम आईपी एड्रेस मिलेगा क्योंकि इसने ही देना आईपी एड्रेस, क्योंकि ये हमारी क्वेरी यहाँ से यहाँ यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक पहुँच रही है और ये ढूंढ के बता रहा है, लेकिन खैर इसका रैंडम मैक एड्रेस है इसलिए इसने आईपी एड्रेस अलग दिया। अगर हम इसमें सेटिंग ऐसी करें भी इसका मैक एड्रेस की ऑप्शन जो है रैंडम ना आए तो होगा क्या, भी सेम आईपी एड्रेस हमारे को मिलना था अगर हमने रैंडम ऑप्शन नहीं रखी होती तो। तो फिलहाल हमारी चलो रैंडम ही ऑप्शन है और इसलिए मतलब जो है हमारे को अलग आईपी एड्रेस मिला है। कुछ हमारे कंप्यूटर होते हैं उनमें सेम आईपी एड्रेस मिलता है क्योंकि उनका मैक एड्रेस सेम रहता है, और इसी तरह से जो है हमारे को इंटरनेट शेयर मिल चुका है। और जो हमारा यहाँ पे PC लगा हुआ है अब उसका आईपी एड्रेस है 1 वाली सीरीज का, लेकिन बीच में 0 वाला राउटर भी है तो हम वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि बीच में बहुत सारे और राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट था, और अब हम इसको यहाँ लगाते हैं और इसको यहाँ लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं जरा भी कितनी स्पीड हमारे को मिल पाएगी। इसको मेन बना लेते हैं और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मतलब ये वाली जो इंटरनेट वाली वायर है ना ये हमने हटा दी है, ठीक है। अब इसमें इंटरनेट आएगा यहाँ से, और यहाँ पे ये जो वायर है ये छोटी वाली वायर है यहाँ पे लगा देता हूँ, बड़ी वाली को वहाँ यूज़ कर लेता हूँ। ये इसको मैं यहाँ पर, और ये जो बड़ी है ना थोड़ी सी, इसको मैं
यहाँ से वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। देखो यहाँ पे, यहाँ से इंटरनेट निकला और यहाँ के इंटरनेट वाले पोर्ट में चले गया। ठीक है, वैसे तो इसको एक्सेस पोर्ट बनाया हुआ है, तो मुझे आशा भी ये यहाँ तक इंटरनेट पहुँचा देगा, लेकिन हमने इसका DSCP ऑफ नहीं किया हुआ है, तो हमें वो ऑफ करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इंटरनेट नहीं चला पाएगा, क्योंकि इसमें वैन कनेक्शन हमने डायनेमिक रखा हुआ है, तो इसलिए इसमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इसकी सेटिंग देखने के लिए आई बटन पे वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं, और इसमें हमें इंटरनेट इसके थ्रू मिलेगा, क्योंकि इसको हमने राउटर मोड पे सेट किया। अब देखते हैं हमारा इंटरनेट चल पाता है कि नहीं चल पाता। देखो अब स्पीड में भी बहुत ज़्यादा फर्क है, तो हमारे पास फिलहाल इसमें जुड़ा हुआ है हमने, ठीक है, तो इससे हमने स्विच कर लेते हैं पहले। और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे जो वाईफाई है हम इस पे जोड़ के देख लेते हैं पहले कनेक्टेड है, और इस पे आईपी एड्रेस हमारे को मिल रहा है 0 वाली सीरीज का, क्योंकि ये राउटर जो है 0 दे रहा है, ठीक है ना, ये 0 दे रहा है और यहाँ 0 मिल रहा है हमारे को, और ये भी 0000 जा रहा है और यहाँ 0 मिल चुका है, और यहाँ से 1 निकले क्योंकि हमने इसको अभी डायनेमिक रखा हुआ है। इंटरनेट स्पीड टेस्ट करेंगे हम। अब ये जो पोर्ट है ये भी 100 Mbps है, तो इसलिए ये स्पीड जो है 100 Mbps ऊपर नहीं जाने वाली, जब तक ये वाली जो 1 Gbps वाली लाइन जो है डायरेक्ट नहीं मिलेगी ना हमारे 1 Gbps वाले में, तब तक 1 Gbps तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, वो भी हम आपको चेक कराएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये 100 Mbps हमारे को दे रहा है और यहाँ तक इंटरनेट पहुंच रहा है, और लेकिन इसका आईपी एड्रेस हमारे को अलग मिलने वाला है। देखो जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, इसमें हमारे को आईपी एड्रेस अलग मिल रहा है, ये 1 वाला मिल रहा है, जबकि यहाँ से तो 0 आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 मिल रहा है हमारे को, यहाँ पे भी 0 मिल रहा है, बट यहाँ पे ये जब इसको अलग मिल रहा है तो ये आगे नहीं दे पा रहा। अगर हम ऐसे कर देंगे तब भी हमारे को ये 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देगा बट इसको 0 मिल रहा है, इसको मिल नहीं रहा है क्योंकि इसके लैन में लगी ना तार, इसलिए। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो अब मैं स्विच करता हूँ, देखो 03 है, हमारे को आईपी एड्रेस मिलेगा 1 वाला, क्योंकि ये दे रहा है हमारे को, क्योंकि वाईफाई से जुड़े हैं। अब ये 0 वाली सीरीज की लाइन केवल लगी है, बट इससे इसको नहीं पता ना भी ये इंटरनेट है, और हमें पता भी यहाँ पे इंटरनेट है, तो कुछ केसेस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम स्टैटिक करके 0 वाला आईपी एड्रेस देके भी हम चला सकते हैं, क्योंकि हमारे को पता है इसके नेटवर्क में कहीं ना कहीं 0 से इंटरनेट आ रहा है, या 0 वाली नेटवर्किंग कहीं ना कहीं है। तो इस तरह से भी मतलब जो है हम डिवाइस आपस में जोड़ सकते हैं, जैसे हम 0 वाले में घुस जाते हैं, 0.110 कर लेते हैं, और 0.1, और हमारा जो DNS है वो भी 0.1, और हम सेव कर लेते हैं, तो भी हमारे मोबाइल में इंटरनेट चल पड़ेगा। 0 वाला सर्वर है हमारे पास, देखो ये TP-Link का मेरा मोबाइल जुड़ गया, इसमें 0.110 आ चुका है, 0.1 ये है, ये आईपी एड्रेस यहाँ तक सबको दे रहा है, और मेरा मोबाइल जो है यहाँ तक कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ, 1.1 पे भी जा सकता हूँ, क्योंकि ये वैन पे एक्सेस दे रहता है, तो ये बीच के राउटर बीच में हटा दिया मैंने, क्योंकि इसमें किसी में भी वैन वाला सिस्टम नहीं है, ना इसमें वैन वाला सिस्टम है, क्योंकि इसको एक्सेस मोड पे किया है, तो इसके 5 के 5 जो पोर्ट है वो स्विच की तरह काम कर रहे हैं। और अब ये हमारा मेन सर्वर हो चुका है, मैंने जोड़ा इससे है, देखो जोड़ा मैंने इससे है, लेकिन ये यहाँ तक हम पहुँच गए, तो ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। और अब देखते हैं, पहले तो स्पीड दिखाता मैं आपको, खैर स्पीड तो वही 50 Mbps की होगी, क्योंकि इसका वाईफाई 2.4 GHz का है, ठीक है, लेकिन मैं आपको पिंग करके दिखाऊंगा कि मैं आपको यहाँ पे 192.168, ये देखो ये हमारा मेन राउटर है, वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, जोड़ा मैंने इसके थ्रू है। सोचो वाला इसके बीच में देखो एक स्विच भी है, ये स्विच है, ये वाला राउटर भी है, फिर ऊपर से ये लोड बैलेंसर भी है, और इसके थ्रू आगे वहाँ पे ऊपर राउटर भी है, और उसके आगे जो है कहीं और जाके स्विच लगा है, तो वहाँ तक मैं पहुँच। तो इस तरह से नेटवर्किंग होती है, और स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर जुड़े हैं, और ये पूरा ग्राफ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बनाया था, और आईपी कहाँ पे क्या दिया, तब जाके जो है हम मेन राउटर तक पहुँच पाए, और अब जो है हम नेटवर्किंग में अपने कंप्यूटर भी खोल सकते हैं, जो कि यहाँ पे सामने लगा है या फिर कहीं और लगा है, नहीं खोल सकते क्योंकि अभी इसके थ्रू हमारे को आईपी एड्रेस, ठीक है। अगर हम ये वाली वैन वाली वायर निकाल के अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ, अब इसको भी इंटरनेट नहीं मिल रहा है, ये लैन बन गया है, और ये भी लैन बन गया है, ये भी लैन बन गया है, सब कुछ लैन बन गया है, और मेरे पास अब देखना आईपी एड्रेस क्या आएगा, बहुत ही हैरानी वाली बात है भी, अब आईपी एड्रेस कहाँ से आएगा, कोई है तो कमेंट करके बताइएगा कहाँ से आईपी एड्रेस आएगा। ये नेटवर्किंग सारी इस तरह से होगी है भी, यहाँ पे कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं है, अब मेन हमारा वही बन जाएगा। देखो जैसे मैं TP-Link 3.0 इस पे जोड़ता हूँ, ठीक है, इसमें मैंने स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया है, यानी कि इसको मैं एक्सेस पॉइंट बोर्ड बना दूंगा, उसी तरह से हमने सेटिंग की है, ठीक है, इसमें मैंने वही दिया है जो हमारा ऑफिस का इंटरनेट है, वहाँ पे मैं घुस सकता। पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं यहाँ से हमारे को क्या मिले, ये मतलब 0 ही दे रहा होगा क्योंकि इसमें DSCP ऑन 0 है, ये 0 दे रहा है, ठीक है, ये 0 दे रहा है, और कहीं ना कहीं हमें 1 वाले तक पहुँचने के लिए हमने इसको जोड़ा है, तब भी हम 1 वाले तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे देखते हैं, या तो इसका आईपी एड्रेस मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है 110 हमारे कंप्यूटर में पहले से हो किसी में, वो ये तो 0 है, मेरे को 1 करना पड़ेगा, सही बात, ये मेरी गलती थी, अगर मेरे को 1 वाले नेटवर्क में जाना है तो मेरे को 1 करना पड़ेगा, अगर मेरे को 0 वाले नेटवर्क में रहना है तो 0 करना, ठीक है। अब इसके थ्रू हमारे को कोई आईपी एड्रेस नहीं मिला है, मैंने खुद से दिया है, या फिर समझ लो भी वहां से आईपी एड्रेस आ रहा है जो हमारे मेन नेटवर्क का है, ठीक है, ये 1 वाली सीरीज का आ गया, और अगर 1.1 खुल रहा है, ठीक है, ये वाला राउटर, तो हम अब नेटवर्क में घुस चुके हैं, और अब देखिए यहाँ तक क्वारी लेके जा रहे, जुड़े हम इसके थ्रू, ये खुल गया ना कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर हमारा कहीं और है, और उसके थ्रू मेन राउटर जुड़ा है,
तो इस तरह से नेटवर्किंग होती है। अब मैंने यहाँ से जोड़ा है लेकिन नेट हमारा मेन राउटर वहाँ तक है। अब हम इंटरनेट की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा अच्छी आई, पिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब हम यही कॉन्सेप्ट लोगों को बताते रहते हैं भी आईपी एड्रेस डीएसएपी बंद करो और मेन राउटर से ही सबको आईपी एड्रेस आने दो, इससे क्या है नेटवर्किंग ओके हो जाती है। लेकिन इसमें रिस्क बढ़ जाता है, होता क्या है जब मेन राउटर से सब आईपी एड्रेस मिलेंगे तो सभी डिवाइस एक्सेस हो जाएंगे, ठीक है, अगर बीच में राउटिंग होती है तो फायरवॉल होती है भी पीछे का आगे तक नहीं जा पाए, तो ये चीज जो है अब यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है। इतने सारे राउटर स्विच लगे हैं लेकिन मेन हमारा इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पे है और वही हमारे को आईपी एड्रेस यहाँ तक दे रहा है और हमारी नेटवर्किंग प्रॉपरली चल रही है। तो हमें आशा आपको ये वीडियो समझ आई होगी, तो अगर कुछ मिस हो गया या कुछ रह गया कुछ नहीं समझ आया तो कोशिश करेंगे कभी लाइव में आपको हर मंडे को आते हैं वहाँ पे सवालों के जवाब दें। और इस तरह से पूरा सेटअप देखो यहाँ पे बना हुआ है और हमारी वीडियो बन चुकी है, हमने आपको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट बताया और इतना बताते हैं मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।